नमस्कार दोस्तों, मेरा मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे पिक्चर। तो चलिए, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 पर मैंने क्लिक किया, मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक किया और मैं कुछ फ़ोटो को इंसर्ट कर लेता हूँ। और देखिए, पिक्चर में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पर देखिए पिक्चर, मैं यहाँ तक आपको बता चुका हूँ। पिक्चर पर मैं क्लिक किया, पिक्चर में दो ऑप्शन है, दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर। इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर से पिक्चर जो सेव किए उसको निकालना चाहते हैं कि ऑनलाइन से पिक्चर लेना चाहते हैं। तभी मैं कंप्यूटर से समझेंगे जो अपने कंप्यूटर पर मैं रखा हूँ डाउनलोड करके, या किसी तरह से कंप्यूटर में रखा हूँ। उसके लिए यहाँ पर दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे और यहाँ से हम लेंगे नो कॉपीराइट। ये मेरा फोल्डर का नाम है, यहाँ पर मैं लेता हूँ दो पिक्चर, एक बैकग्राउंड एक बिना बैकग्राउंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, बैकग्राउंड रिमूव बैकग्राउंड, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए कि जो बैकग्राउंड था वो आपको पकड़ लिया। ठीक है, जो बैकग्राउंड था उसको आप पकड़ लिया। ई जो किया है इसको बोलते हैं मार्क्स, ठीक है ना, ई वाला। लेकिन जो बैकग्राउंड जो पकड़ा तो हमारा शर्ट को भी पकड़ लिया और यहाँ पर भी पकड़ लिया। तो इधर तो ठीक पकड़ा है लेकिन इधर आपको मार्क्स ठीक से नहीं लगाया। तब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, चार यहाँ पर ऑप्शन है। मार्क्स, इस पर हम क्लिक करके अगर यहाँ से ऐसे करते हैं तो ये देखिए इसको ये क्या कर रहा है, जो शर्ट को भी पकड़ लिया था उसको हम लोग हटा रहे हैं पहला वाला ऑप्शन से। देखिए नीचे हट गया और यहाँ पर भी आपको देखिए कुछ पकड़ा। जूम जब कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ से ऐसा सब पेंसिल आपको इस ढंग से चलाना है, बारीकी से थोड़ा सा। अगर आप जूम कर देते हैं तो बहुत अच्छा से आप रिमूव कर पाइएगा जूम कर करके, ठीक है। बाकी सब हो चुका है। यहाँ पर मैंने देखिए ज़्यादा यहाँ पर रिमूव कर दिया था, इसका बैकग्राउंड नज़र आया। तो फिर इसको हम लोग लेंगे और फिर यहाँ से फिर इसको देखिए ज़्यादा हो गया तो फिर इसको लेंगे और हल्का से इसको यहाँ से इसे क्लिक करेंगे। देखिए इसको, तो दोनों टूल्स का मतलब आप समझ रहे हैं क्या क्या करता है इसे, ठीक है ना। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से क्या करता है इसको, टूल्स को हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ, और तो कहीं दिक्कत नहीं है। अब हमको जब ऐसा हो जाए तो हमको क्या करना है, कीप चेंज पर क्लिक करना है। कीप चेंज पर इस पर क्लिक कीजिएगा, देखिए बैकग्राउंड आपको रिमूव हो गया, ठीक है। और फिर इसी पर आते हैं और फिर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा डिस्क्राइब ऑल चेंज, तो आपको पहले जैसा हो जाएगा। फिर इसी पर आते हैं और फिर इस पर क्लिक करते हैं तो आप अब देखिए फिर वापस पकड़ लिया। और फिर इसी पेंसिल को लेकर ये फर्स्ट वाला को लेकर यहाँ से इसको हटा सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा हट जाए, ठीक है ना, ज़्यादा आपको हट जाए तो इस पेंसिल को लेकर आप इसको फिर वापस कर सकते हैं। समझ गए होंगे। चलिए तो इसके बारे में आप समझ गए, तो इसको मैं हटाता हूँ, डिसलाइक कर देता हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं,
यहाँ पर आते हैं करेक्शन में, तो करेक्शन के लिए मैंने एक और पिक्चर रखा हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है करेक्शन का, तो करेक्शन को समझने के लिए हमको एक अलग से एक फ़ोटो लेना होगा, तो उसको हम यहाँ पर हटाते हैं, एक और हम फोटो ले लेते हैं जिसका बैकग्राउंड अलग ढंग से मिल जाए मुझे, तो समझाने में अच्छा होगा। तो चलिए मैंने इसको ले लिया, ठीक है ना, ले लिया इसको। अब हम लोग आते हैं करेक्शन पर, जैसे पहला है शार्पनेस में यहाँ पर देखिए पॉइंटर रखूँगा तो कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है आपको, ठीक है ना। दूसरा है ब्राइटनेस, देखिए चेंजिंग हो रहा है। अगर इसमें से आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो सीधे आप आ जाइए पिक्चर करेक्शन में। पिक्चर करेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आई सबसे पिक्चर पर मैंने क्लिक किया, पिक्चर करेक्शन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर खुद प्रीसेट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा कुछ हल्का हल्का चेंजिंग हो रहा है। अगर आपको नहीं देख पा रहे हैं तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ऐसा हुआ, क्लिक करता हूँ देखिए ऐसा हुआ, क्लिक करता हूँ देखिए ऐसा हुआ, ये आपको देखिए ऐसा हो जाएगा। इसको हम रीसेट कर देते हैं, अपना ढंग से शार्पनेस करेंगे, अपना ढंग से यहाँ से देखिए इस तरह से शार्पनेस किए, फिर इसको रीसेट कर दिया। अगला ऑप्शन समझते हैं, आपको आते हैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट, यहाँ से क्लिक करेंगे देखिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आपको ब्राइटनेस चाहिए, कितना ब्राइटनेस कंट्रास्ट दोनों मिल के चाहिए, अगर इसको पसंद नहीं है तो रीसेट कीजिए, अपना ढंग से कीजिए इस तरह से, यहाँ से भी कीजिए, यहाँ से कंट्रास्ट कीजिए, तो आप अपना ढंग से भी कंट्रास्ट ब्राइटनेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको रीसेट कर लिए। अगला ऑप्शन समझते हैं पिक्चर कलर, पिक्चर कलर का यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा, और इस पर से कोई पसंद नहीं आया आपको तो रीसेट करेंगे और फिर अपना ढंग से करेंगे। यहाँ से देखिए ये क्या कर रहे हैं, आप अपना ढंग से करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। नहीं अच्छा लगा यहाँ से रीसेट कर देंगे। अगला ऑप्शन समझते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्लिक किए तो ऐसा हो जाएगा। अगर इस ऐसा हो जाएगा ये भी नहीं समझे, अच्छा नहीं लगा, तो इसको भी रीसेट आप कर सकते हैं, यानी कि प्रीसेट यहाँ पर दिया हुआ है। प्रीसेट अगर आप चूज करके भी कर सकते हैं ना, तो अपना से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से समझे नहीं अच्छा लगा तो आप भी रीसेट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए री कलर आ गया है। इसमें से बहुत सारा कलर आपका, उसके बाद रीसेट कर देते हैं। अगला ऑप्शन समझते हैं पिक्चर कलर समझ गए। देखिए पिक्चर करेक्शन में क्या कर सकते हैं आप, पिक्चर करेक्शन क्या कर सकते हैं, इसके साथ शार्पनेस आप दे सकते हैं, पिक्चर ब्राइटनेस में कंट्रास्ट ब्राइटनेस कर सकते हैं, ये आपको मैं बताया। पिक्चर कलर में इस तरह से आप पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको कलर चाहिए इस तरह से पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं, देख लेना। और इसको हम रीसेट कर देते हैं। अगला समझते हैं क्रॉप, क्रॉप से क्या होता है कि आप देखिए विथ हाइट में कितना क्रॉप करना चाहते हैं, देखिए इस तरह से नीचे ऊपर क्लिक कर रहे हैं, देखिए क्रॉप हो रहा है, बैकग्राउंड इसमें कम हो रहा है, इस तरह से नीचे कीजिएगा तो कम होगा, ये विथ का है, हाइट का इसके ऊपर से करेंगे कि हाइट का है, नीचे कीजिएगा तो कम होगा इस तरह से, लेकिन ऐसा देखिए इतना हम क्रॉप कर दिए इतना तक, तो ऊपर से क्रॉप करता है, देखिए ऊपर से क्रॉप करता है, नीचे से करेगा, इस तरह से कर सकते हैं। फिर क्रॉप पोजीशन वापस इसको रिमूव कर सकते हैं, जितना आप क्रॉप किए थे इसको वापस इसको रिमूव भी कर सकते हैं, विथ में किए थे ठीक है ना, हाइट में नहीं किए थे, तो हाइट वाला कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए हाइट वाला आपको प्रभाव पड़ेगा, जैसे करके चेक कर सकते हैं।
और आप समझ गए होंगे। अब आते हैं देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं लेआउट की सेट। लेआउट टैक्स पर काम करता है, कैसे टैक्स बॉक्स लिखा हुआ। फिर यहाँ पर आते हैं कि टैक्स पर हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आने के बाद देखिएगा शेडो, शेडो हम लोग कोई यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लिए, पिक्चर को छोटा करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसको हम लोग इतना क्रॉप कर दिए थे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर शेडो, शेडो हम लोग यहाँ पर इसे देखिएगा शेडो ले लिए, पिक्चर को पूरा छोटा कर देते हैं कि हमको स्पष्ट दिखाई देवे, ठीक है ना। पिक्चर ही बदल देते हैं तो आपको समझाने में मुझे अच्छा होगा। एक पिक्चर ले लेते हैं, अब आते हैं शेडो। शेडो मतलब क्या होता है, परछाई, ठीक है। एक हम शेडो आपको ले लेते हैं, देखिए ऐसा शेडो हम लोग ले लिए हैं, ये शेडो नहीं ठीक है। तो इस शेडो जो ना आपको शेडो लेना है वो आप शेडो यहाँ से ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर शेडो का कलर लेके रेड कर दिए। अब यहाँ पर देखिए कलर को हम लोग और डीप करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, इसका साइज इधर उधर करना चाहते हैं, इस शेडो का ब्लर कितना चाहते हैं करना चाहते हैं, ठीक ना। इस तरह से कर सकते एंगल, ठीक है ना, डिस्टेंस शेडो का कितना रखना चाहते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। फिर हम लोग आए शेडो, सिंपल शेडो हम लोग लेते हैं जो कि ज़्यादा आपको अच्छा नज़र आए। इस तरह से शेडो ले लेते हैं, सिंपल शेडो, ये शेडो अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आके शेडो को पूरा हम लोग समझ ले, तो शेडो को हम लोग कर देते हैं अब ऑफ, ठीक है। शेडो को हम लोग कर देंगे नो शेडो, ठीक है, यानी कि शेडो समझ लिए। अब आते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में आएंगे। यहाँ पर से कोई एक रिफ्लेक्शन हम लोग ले लेंगे, इसका परछाई होता है, देखिए परछाई। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन ले लिए और रिफ्लेक्शन का परछाई हो गया। अब परछाई का आपका देखिए ट्रांसपेरेंसी कितना चाहते हैं, नीचे रखेंगे तो पता चलेगा, देखिए ट्रांसपेरेंसी कितना चाहते हैं, साइज इसका ब्लर कितना चाहते हैं, ठीक ना, डिस्टेंस कितना चाहते हैं, ब्लर ज़्यादा कर दें इसलिए पता नहीं चल रहा आपको, यहाँ कम करते तो स्पष्ट पता चलेगा, ठीक है, देखिए पता चलेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आपको हमको इसको नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। अगला आप समझते हैं ग्लो, ग्लो मतलब क्या होता है, देखिए कैसे आप ले लिए पिक्चर के आउटसाइड, ठीक है ना, ग्लो कैसा लेना चाहते हैं, रेड या फिर ब्लू या ग्रीन है, ब्लू, ठीक है ना, ग्रीन ले लेते हैं। आप देखिएगा इसका साइज, इसको ऐसा ट्रांसपेरेंसी कितना रखना चाहते हैं, ठीक है ना, ग्लो समझ गए हमें। ग्लो के पास आते हैं सॉफ्ट एयर, इसको भी नन कर देते हैं तो आपको समझ में अच्छा है, नन कर दिए। अब यहाँ पे आते हैं सॉफ्ट वाला आप एगो ले लेते हैं ऐसा, और तो लेते हैं सॉफ्ट ऐसा, देखिए इसका बहुत यूज होता है। और यहाँ से सॉफ्ट का साइज कम बेसी कर सकते हैं इस तरह से। अगर यहाँ पर पीछे का बैकग्राउंड अगर रहता तो और आपको अच्छा समझ में आता इस सॉफ्ट को, लग रहा है किसी बैकग्राउंड में आपको ये मिला हुआ है, ठीक है ना, इसको कम बेसी कर सकते हैं, सॉफ्ट समझ गए होंगे। अब इसको सॉफ्ट को हम लोग कर देते हैं नो, उसके बाद 3D फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पर से ले लेते हैं वो कोई, देख लीजिए यहाँ पर खुद दिया हुआ प्रीसेट, ठीक है, और नहीं तो फिर आप यहाँ से भी अपने मन से आप यहाँ से कर सकते हैं 3D, न तो यहाँ से भी अपना ले सकते हैं। यहाँ पर आएंगे नो कर देते हैं, नो करने के बाद देखिए अपना ढंग से लिए।
अपना ढंग से लिए, इसको लिए, ये पसंद नहीं तो फिर इसमें आ जाइए। और यहाँ से भी कम बेसी 3D कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, आपको इसका आपको कलर आपको पता नहीं चला तो बढ़ाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। जो जो पता नहीं चल रहा है उसको आप ज़्यादा इफेक्ट दीजिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इसको देखते पे करना है आपको। इस तरह से आप इसमें से बहुत सारे हैं जो कि आपको इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं। यहाँ से जब इसको बढ़ाइएगा तो आपको एंगल का पता चलेगा, ठीक है। 3D को हम लोग कर देते हैं नॉर्मल, ठीक है। 3D को हम लोग कर देंगे नॉर्मल, सभी को इफेक्ट हम लोग हटा देते हैं। जो जो इफेक्ट हम लोग लगाए थे तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा 0-0, तो उसमें जो भी इफेक्ट लगाए थे सब आपको हटेगा। ये सभी को मैंने इफेक्ट हटा दिया कि आपको समझाने में मुझे अच्छा लगे, ठीक है ना। और यहाँ पर 3D हो गया। अब 3D रोटेशन, रोटेशन मतलब क्या होता है, घुमाना, ठीक है। पिक्चर पे यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे घूमेगा, ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा, और आप अपने से भी घुमा सकते हैं। इसको फर्स्ट में हम लोग रख दिए, यहाँ से भी देखिए अपने से जैसा आपको करना चाहते कर सकते हैं, ऐसा करना चाहते कर सकते हैं, ऐसा ऐसा इस तरह से करना चाहते कर सकते हैं। इसको भी हम कर देते हैं फर्स्ट में नॉर्मल कि पता चले। अब यहाँ पर आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, यहाँ पर से देखते हैं। ये देखिए कुछ नहीं, कुछ वहाँ हो रहा है, ये देखिए नीचे सो रहा था। उसके बाद ही हो गया। अब आते हैं आर्टिस्ट इफेक्ट, आर्टिस्ट इफेक्ट में देखते हैं ये क्या करता है। पिक्चर को धुंधला उंधला एक आधु करके मैं दिखाता हूँ। देखिए सब हो जाएगा, बहुत टाइम लगता है। पहले देखिए मेरे पास ऐसा था पिक्चर, आर्टिस्ट इफेक्ट में आएंगे, देखिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल कर दिए और एक आध को करते हैं, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से इसका कम इससे ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसको रीसेट कर दिया तो पूरा ऑप्शन तो मेरा कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं फिल में, ठीक है ना। फिल मतलब क्या होता है, भरना। हम कोई एक शेप लेंगे, शेप का लाइन लेंगे तब आपको पता चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इसको समझने के लिए हमने क्या करते हैं, एक हमने ले लेते हैं इसे से बॉर्डर ले लिए। और सबसे पहले लाइन को समझते हैं, लाइन में आए, देखिएगा लाइन का कलर कैसा चाहते हैं, यहाँ से चेंज करते हैं। अभी हम सॉलिड लाइन में हैं, अब देखिए नो लाइन पर क्लिक करेंगे तो लाइन आपको गैप हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक लाइन ले ही के समझने में हम समझेंगे तब जाके आपको ये ऑप्शन को काम करेगा, ठीक है। लाइन का कलर, लाइन के आप ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, लाइन के विथ एंड हाइट, लाइन का कितना मोटाई रखना चाहते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं लाइन किस तरह से आप रख सकते हैं, यहाँ पर आके इस तरह से आप भी रख सकते हैं। राउंडेड कॉर्नर, हम इसको प्लेन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ से प्लेन करते हैं, राउंडेड कॉर्नर, देखिएगा कोना इसका, ठीक है ना। इस तरह से आपको हम लोग इसको हल कर सकते हैं, तभी हम लोग लाइन में थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर सॉलिड में आते हैं, सॉलिड लाइन में, ठीक है ना। सॉलिड अभी हम सॉलिड लाइन में थे, इसको ऑप्शन को सारे समझ लिए। तब हम लोग आते हैं ग्रेडियंट लाइन, ठीक है ना। ग्रेडियंट लाइन में देखते हैं कि ले लेते हैं, ठीक है ना। ग्रेडियंट लाइन पर ले लिए और यहाँ से ले लिए और फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद इसका एंगल, एक लाइन पर कलर पर ध्यान दीजिएगा, उसको जूम करके तब पता चलेगा। कम बेसी इसमें जानते हैं 3 कलर हैं, ठीक है, 3 कलर। तो
जैसे फर्स्ट फर्स्ट लेते हैं रेड, फिर यहाँ पर आते हैं सेकंड लेते हैं, जो थर्ड आर्ट में आते हैं थर्ड में लेते हैं, इस तरह लेके तीन कलर लेके इसको हम लोग बनाए, ठीक है ना। सबसे अच्छा है यहाँ से इसका ट्रांसपेरेंसी कम जैसे बेसी कर सकते हैं, इसका ब्राइटनेस, ठीक है ना, यहाँ से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको इसका लाइन कैसे, ठीक ना, फिर यहाँ से राउंडेड कॉर्नर आ गया, फिर इसका जो कि आपको बताएं तो ग्रेडिंग में हो गया। नहीं चाहते तो नो पर क्लिक करेंगे तो हम आपको लाइन के भी बता दिए कि सॉलिड लाइन और ग्रेडिंग लाइन। उसके बाद फिल मतलब क्या होता है, भरना। तो हम लोग भरेंगे कब, तो अब देखिए इसमें इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब तक हम कोई बॉक्स टाइप के अगर हम ले लेते हैं तो ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि फिल मतलब भरना वाला होता है, तो हम लोग पिक्चर पर नहीं, हम जब ऐसा हम लोग रेक्टेंगल कुछ लेंगे, जैसे शेप लेंगे, जैसे देखिए शेप लिए ऐसे, तब देखिए इसका ऑप्शन आपको काम कर रहा है। देखिए पिक्चर पर तो नहीं काम करेगा, तो अगला जब इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।